पटवारी भर्ती 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है, जिसमें 4,207 पदों पर भर्ती होने वाली है। पहले 3,800 शायद 50 पदों पर भर्ती होने वाली थी, लेकिन अब 400 पद लगभग और बढ़ा दिए गए हैं, तो 4,207 पदों पर भर्ती होगी। और आपके ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो भी जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, बाकायदा डेट भी दे दी गई है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि परीक्षा आपकी कब होगी, और आपको कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या ग्रेजुएशन ज़रूरी है या फिर बिना ग्रेजुएशन के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। फिर आप जो चीज़ मैं वीडियो में बता चुका होता हूँ आप वही फिर कमेंट करके पूछते हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सभी कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं पटवार भर्ती 2019 के लिए, तो उनको भी इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड जो है RSMSSB, तो इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद आपको न्यूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन, तो इस पर क्लिक कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पर आपको जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो पटवार 2019 एडवर्टाइजमेंट ऑफ पटवार 2019, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। चलिए इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमें बताई गई हैं। ये है वो नोटिफिकेशन, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा नोटिफिकेशन का। आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी बनकर आएगी उस पर ज़रूर क्लिक कर लेना, और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना, ताकि राजस्थान पटवारी भर्ती और राजस्थान कॉन्स्टेबल भर्ती पुलिस की उसके सारे अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें, और जब भी फॉर्म ऑनलाइन होंगे या फिर कोई भी बदलाव अगर किया जाता है तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल पर दूंगा, तो आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, तो यहाँ पर देखिए डेट आप देख सकते हैं 5 दिसंबर 2019, यानी कि आज ही के दिन में अभी अभी ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद व विभाग, तो पद जो है वो है पटवारी विभाग राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर। तो कुल पद आप यहाँ पर देखिए, पहले शायद 3,849 पद थे, लेकिन अब पदों की संख्या 4,207 कर दी गई है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP में 3,637 पद हैं, और TSP क्षेत्र जो है अनुसूचित क्षेत्र उसमें 570 पद यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करें एज की, तो आपके न्यूनतम एज अगर 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष, यानी कि 18 से 40 वर्ष अगर आपकी उम्र है इसके बीच में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये डेट है ये काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2020 से। तो अगर आपकी 1 जनवरी 2020 को एज 18 और 40 साल के मध्य में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें अगर वेतनमान की, जो आपको सैलरी मिलेगी, तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार न्यूनतम वेतन जो है वो मिलेगा 20,800 रुपये। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, मतलब जो आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगी उसकी फ़ीस आपको कितनी देनी होगी जब आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो। तो बात करें यहाँ पर जनरल की, तो जनरल वालों को 450 रुपये यहाँ पर फीस देनी होगी, और यहाँ पर OBC वालों को 350 रुपये देने होंगे, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन जो हैं और जिनकी जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से कम है, यानी कि जो EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पर 250 रुपये चार्जेस देने होंगे जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। इसके बाद देख लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होंगे, लेकिन डिटेल्स अच्छे से यहाँ पर समझ लेना। तो यहाँ पर जो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर पहले पॉइंट में देख सकते हैं, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए राजस्थान में किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि मान्य हो, उस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब स्नातक कर रखी है, या बोल सकते हैं बैचलर कर रखी है, यानी कि अगर आपने BA या BSc या फिर BCom कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य हो। इसके अलावा, ये तो थी फर्स्ट चीज़, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके पास कंप्यूटर में एक डिप्लोमा होना चाहिए या फिर RSCIT होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ देखिए, अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक चीज़ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो।
ओ लेवल का अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि जो आईटीआई के अंदर कोपा कैटेगरी होती है उसका डिप्लोमा अगर आपके पास है, या फिर डिग्री या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंडिया के किसी भी स्टेबलाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में है जो कि पॉलिटेक्निक के अंदर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो RSCIT है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास RSCIT है तो भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा बात करें अगर आपके पास 12th में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट था, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो भी ये एक कंप्यूटर डिप्लोमा माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर के अंदर, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आती है वो ये है कि आपको जो हिंदी देवनागरी लिपि है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपके ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसकी भी डेट आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देखिए, नोट, रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। तो राज्य सरकार के जो भी नए नियम होंगे उनके अनुसार ये यहाँ पर परिवर्तन भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, इसका इनके पास पूरा अधिकार है, ये कहा गया है। इसके बाद ये देखिए, आवेदन करने की अवधि जो है, परीक्षा शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 20 जनवरी 2020 से दिनांक 19 फरवरी 2020 को मध्य रात्रि 11:59 यानी कि 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक, मतलब पूरा 1 महीना आपके ऑनलाइन आवेदन अप्लाई होंगे। तो 20 जनवरी से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें, मतलब कि लास्ट डेट का इंतजार मत करना, पहले ही फॉर्म अप्लाई कर लेना, क्योंकि बाद में फिर साइट क्रैश हो जाती है और फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, इसलिए पहले ही फॉर्म अप्लाई कर लेना। परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान के संबंध में सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पर आपको सूचित किया जाएगा। और साथ ही साथ हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि संभावित आपकी एग्ज़ाम जो तिथि है वो क्या हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 19 फरवरी तक आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई होंगे, और अभी तक जितने भी राजस्थान चयन बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम कराता है, तो लगभग आपको फॉर्म अप्लाई करने के 2 से 2.5 महीने बाद एग्ज़ाम होता है। तो आप ये मान के चलना कि मार्च अप्रैल और लगभग मई मई के महीने में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं पटवारी के लिए। तो ये थी पूरी डिटेल्स जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।